बच्चा प्रॉब्लम में है दर्द में है सीकिंग फॉर हेल्प सीकिंग फॉर सपोर्ट तो वो फ्रेंड्स के पेरेंट्स के पास जा पाता है अपने रिलेटिव के पास फ्रेंड्स के पास जा पाता है यहाँ तक कि एक प्रोफेशनल काउंसलर के पास भी जा पाते हैं लेकिन अपने पेरेंट्स से वो ही बात करने के लिए हेसिटेट करते हैं यहाँ तक कि कोशिश करते हैं कि कुछ भी हो जाए पेरेंट्स को ये बात पता ही नहीं चलनी चाहिए क्योंकि जब हम एक काउंसलर के पास जाते हैं या इवन एक फ्रेंड के पेरेंट के पास जाते हैं और जब हम अपनी बात बताते हैं लेट्स इफ द चाइल्ड हैड गो एंड से मेरे से ये ये हो गया है मेरे से इतनी बड़ी कुछ गलती हो गई है या मैं इस तरह की एडिक्शन में चला गया हूँ या मुझे इस चीज़ की आदत पड़ गई है या मैं इस रिलेशनशिप में हूँ वट वो बच्चों के अपने एज और अपने उस समय की परिस्थिति के अनुसार जो बात है तो जब वो एक फ्रेंड के पेरेंट्स से फ्रेंड से या काउंसलर से वो बात करता है तो सामने वाला कैसे रिस्पोंड करेगा आपको अगर आकर किसी और का बच्चा पड़ोसी का दोस्त का बच्चा आकर अपनी बात बताए कि मुझे ये अडिक्शन हो गई है या मुझे मुझसे ये गलती हो गई है तो आप कैसे रिस्पोंड करेंगे उस समय एक तो पहली से मैं उसे बहुत प्यार से बात करूँगा हाँ. एक तो मुझे अंदर दर्द नहीं होगा दर्द नहीं होगा और मैं स्टेबल भी रहूंगा राइट क्योंकि मेरा कोई रिलेशन नहीं है राइट और उसके बाद मैं उसको समझाऊंगा फिर yeah. तो मतलब अप्रोच क्या रहा कि उसने आकर दर्द में भी आया और कोई गलती करके भी आया जो उसको खुद फील हो रहा है कि अभी गलती है एंड उसको हेल्प चाहिए तो उसको सामने से क्या मिला एक्सेप्टेंस विच मीन्स इट्स ओके कि आपसे ये हुआ है नेवर माइंड इट्स ओके इस बात का भी कोई ना कोई सल्यूशन तो निकल आएगा अगर ये आदत लग गई है कोई बात नहीं इस पर हम वर्क करेंगे ये आदत भी छूट जाएगी आप इस स्कूल में आप फेल हो गए हैं आज कोई बात नहीं एक साल ही गया है ना इसमें हम मेहनत करेंगे इस बार हम पास हो जाएंगे लव सपोर्ट एक्सेप्टेंस एंड देन सल्यूशन और कोई स्टेबिलिटी रही मेरे में इसीलिए लव सपोर्ट इसीलिए लव सपोर्ट इस उम्र भी ये कर रहे हो क्या हो गया सीखी आदत? ऐसे कैसे पड़ गई किन लोगों के साथ घूमते हो वो सब तो नहीं पूछा ये सब कब कहेंगे जब मेरी औलाद आएगी दिस इज इट व्हिच मींस जो आया था अपना दर्द लेकर वो किस चीज के लिए आया था लव सपोर्ट एक्सेप्टेंस एंड देन सोलूशन सोल्यूशन तो लास्ट है एक्चुअली कई बार तो सोल्यूशन है भी नहीं hmm. या कई बार सोल्यूशन उसको मालूम भी है लेकिन चाहिए क्या था मुझे चोट लगी है hmm. मुझे दर्द हो रहा है मुझे चाहिए कि उस दर्द को कोई हील करने के लिए मुझे प्यार लव और सपोर्ट दे पहले अच्छी तरह सुने तो सही सुने भी सही यस yes. और सुनते हुए क्या वाइब्रेट करे मेरी तरफ नो you know, सुनते हुए भी अब यही बच्चा वो ही गलती या वो ही आदत लेकर जब अपने पेरेंट के पास जाए तो पेरेंट से क्या मिलेगा सुनते ही अभी तो पूरी बात भी नहीं सुनी होगी सबसे पहले स्टेबल नहीं रहेगा मा, मा, पेरेंट, मात पे पेरेंट स्टेबल नहीं रहेंगे मींस क्या हो जाएगा अंदर से इरिटेशन गुस्सा दर्द अब रिलेशनशिप इम्पोर्टेंट है रिलेशनशिप इंपोर्टेंट है वो बच्चे ने जो गलती की है वो पेरेंट के लिए बहुत मैटर करती है लेकिन सुनते ही पेरेंट की अपनी स्थिति क्या हो जाएगी एंगर इरिटेशन कई बार हर्ट भी लेट डाउन भी कि मेरे बच्चे ने ऐसा कैसे कर दिया अपनी ही पेरेंटिंग पर क्वेश्चन मार्क कई बार उठने लगता है कि हमने तो बचपन से उसको इतना अच्छा सिखाया कई पेरेंट्स कहेंगे हमने तो इतने अच्छे संस्कार दिए थे अपने बच्चे को तो इससे ऐसा कैसे हो गया जैसे ही ये सारी वाइब्रेशं क्रिएट किए तो बच्चे को कौन सी एनर्जी ट्रांसमिट हुई फिर हमारा बात करने का तरीका वो कैसा हो जाएगा वे विल देर बी लव सपोर्ट केयर एंड हीलिंग देयर इज गोइंग टू बी दिट ऑफ दैट विच मीन्स क्रिटिसिज्म जजमेंटल बिहेवियर सबसे पहले हम कहेंगे ऐसा किया कैसे तुमसे ऐसा हुआ कैसे तुमको मैंने क्या सिखाया था जीवन भर तुम किस परिवार के बच्चे हो तुमने ऐसा किया कैसे एंड उससे भी डीप, तुमने मेरा नाम खराब कर दिया दुनिया क्या कहेगी? क्या क्या उससे पहले सिस्टर मुझे ऐसा लगता है कि जब बच्चा आधी लाइन शुरू करता है दूसरी लाइन बोलता है तीसरी तो उसको ऐसी गंदी वाइब्रेशंस मिलनी शुरू हो जाती हैं, एंगर की हर्ट की फीलिंग की मतलब एक क्या आदमी है तुम किसके औलाद क्या काम करके इतना बुरा करके आये और वो देख देख के बच्चा फिर आधा बोलने लगता है और क्योंकि वो ऑलरेडी घबरा जाता है वो, वो दर्द में आया था ना दर्द में आए हुए को हमने और क्या कर दिया और दर्द दे दिया सपोज आप डॉक्टर हैं और आपके पास कोई अपनी चोट लेकर आया है Hmm. ये भी तो दर्द ही है ना ये भी तो चोट है तो आप डॉक्टर हैं आपके पास कोई अपनी चोट लेकर आया है तो चोट को हील करना ये ही हमारी वन एंड ओनली एंड फर्स्ट रिस्पॉन्सिबिलिटी है हमें ये भी नहीं जानना है ये हुआ कैसे hmm. डॉक्टर पांच मिनट भी इसमें नहीं वेस्ट करेगा लेकिन आप गिरे कैसे थे लेकिन आप कहाँ गिरे थे आपको सीधा नहीं चलना आता था सीधा नहीं चलना आता। नहीं चलते हैं अलग क्या करते रहते हो ये सारी बातें डॉक्टर नहीं, नहीं करेगा क्योंकि उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी प्रायोरिटी एंड नीड ऑफ दी आवर क्या है चोट आई है इस चोट पर एक एक मिनट अगर डिले होता जाएगा तो फिर एक डॉक्टर की तरह पेरेंट कैसे बिहेव करेगा बिहेव कर ही नहीं सकता है एकदम हर्ट तो हो ही जाता है ना रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या है अगर आपके बच्चे इवन अगर आपके बच्चे को फिजिकल चोट लगी है सपोज आपका छोटा सा बच्चा नीचे से खेलते हुए ऊपर आता है और आपको दिखता है कि यहाँ चोट लगी है तो आप सबसे पहले क्या करेंगे सबसे पहले फर्स्ट एड किट लगाएंगे निकालेंगे उसको साफ करेंगे बैंडेज लगाएंगे नहलाएंगे धुलाएंगे फिर धीरे धीरे साथ साथ पूछेंगे लेकिन गिरे कैसे थे क्या हुआ था लेकिन इंस्टिंक्टिवली फर्स्ट चीज क्या करेंगे के चोट को हील करेंगे लेकिन कोई पेरेंट अगर उस बच्चे की चोट जो फिज़िकल चोट है उसको ही देखकर घबरा जाते हैं खून निकल रहा है उसको देखकर ही घबरा जाते हैं तो फिर उस समय वो हीलिंग ठीक से नहीं कर पाते पाको जिकबराता है, कि कि है।, yes, है माहौल चिल्लाने रोने लगे कोई बर्फ लेने भाग रहा है कोई डॉक्टर को फोन कर रहा है कोई ये बोल रहा है कोई वो बोल रहा है बच्चा नहीं रोने वाला भी रोने लगता है क्योंकि इमोशनल एनर्जी जो अराउंड है उसके वो टर्ब्यूलेंट हो गई ना आप अगर चोट किसी को फिजिकली लगी है और आप उसको क्लीन करके बैंडेड लगाने की कोशिश अगर कर रहे हैं तो उस समय अपना हाथ भी कैसा होना चाहिए स्थिर चाहिए ना वो हाथ भी स्थिर नहीं होगा पेरेंट का अगर पेरेंट इमोशनली उस टाइम शेकन अप है तो हाथ भी पूरा हिलने लग जाएगा अब फिजिकल चोट पर अगर हमें पता है कि सबसे पहले हमें हीलिंग करनी है तो इमोशनल चोट पर हमें सबसे पहले क्या करना है इज दैट द टाइम टू आस्क ऐसा कैसे हुआ ऐसा क्यों हुआ आपको यह आदत पड़ी ही कैसे आपको याद नहीं था कि आपको ऐसा नहीं करना है हमने आपको समझा कर नहीं भेजा था कि ऐसा नहीं करना है कॉलेज में जाकर कहाँ गई सारी हमारी शिक्षा दिस इज़ नॉट द टाइम और जैसे ही हमने ये सब कहा हमने उस बच्चे को अपने से दूर कर दिया एक है आप जब प्योर एनर्जी लव एंड सपोर्ट की भेजते हैं मतलब आप उस बच्चे को उसकी आदत गलती या जो भी करके आए उसके साथ स्वीकार करते हैं आधा प्रॉब्लम बताते बाप अगर इतना ज्यादा रिएक्ट करे तो वो पूरा कब बताएगा कैसे बताएंगे अगर वो अगर उससे बढ़ के कोई चीज आगे बोलने वाली है तो वहाँ रुक जाएगी सपोज मैं आपको आऊँ बताने के लिए कि मैं अभी रूम में गई थी रूम में एंटर करते वहा एक कांच का ग्लास पड़ा था वो मेरे से टूट गया और उसके बाद एक्चुअली जब मैं एंटर की तो एक पूरा एक बहुत बड़ी और जो चीज पड़ी थी वो भी टूट गई मेरे हाथ से बहुत बड़ा नुकसान मैं अभी अभी करके आई हूँ अंदर और अब मैं जब आपको शेयर करना शुरू किया तो मैंने सिर्फ बताया कि मैं एंटर किया और वो कांच का ग्लास मुझसे गिर गया है और उस कांच के ग्लास गिरने पर ही अगर reaction. आपने इतना ज्यादा रिएक्ट कर दिया घिरा कैसे देखा नहीं था इतना महंगा क्रिस्टल है हाथ है कि क्या है आपके हाथ कट जाते तो हाँ वो भी। भी तो मैंने अब नहीं तो। बताना कि जो बड़ा नुकसान अंदर और करके आए हुए बोला लेट इट बी इतने पे ही इतना सुन लिया अगर बड़ी वाली बात बता दी तो पता नहीं फिर क्या होगा तो मेरी प्रॉब्लम मेरा दर्द मेरे साथ ही रह गया बट देन आई नीड somebody else तो देन आई विल गो टू somebody else विद माय प्रॉब्लम एंड पेन जो ये सुनेगा कि मेरे से वो बहुत बड़ी चीज टूट गई है और वो कहेगा इट्स ओके okay ना बैठो कोई बात नहीं टूट गई है तो क्या हुआ आ जाएगी ना नहीं, नहीं भी आ सकती तो कोई बात नहीं आप तो ठीक हो जाओ आपको कहीं चोट लगी है आई वॉन्ट दैट काइंड ऑफ अ पर्सन आई डोंट वॉन्ट एनीबडी उस गुण से कैसे टूटी क्या टूटी देखा नहीं दैट्स नॉट द नीड ऑफ़ दर एक काउंसलर नॉन जजमेंटल होकर हमारी बड़ी से बड़ी गलती एक्सेप्ट करके फिर हमें एडवाइस दे सकते हैं एंड वी आर रेडी टू पे मनी टू गेट दैट डन हम एक प्रोफेशनल के पास जा रहे हैं तो आज हमें अपने आप से पूछना पड़ेगा कि क्या हम अपने बच्चे के लिए या अपने फैमिली मेंबर्स और फ्रेंड्स के लिए क्या हम काउंसलर नहीं बन सकते, बन सकते। क्योंकि काउंसलर की एक लिमिटेशन है काउंसलर वो प्यार नहीं दे सकता है जो एक पेरेंट दे सकता है लेकिन अगर हम दोनों दें प्यार भी दें और काउंसलर भी बने रहें प्यार देना ही है तभी तो काउंसलिंग स्टार्ट होगी यहाँ मेरा काउंसलर से मतलब ये था कि प्यार दें और उतना रिएक्ट ना करें एक काउंसलर की तरह सुने काउंसलर का रोल सिर्फ सुनना नहीं होता है हमें लगता है कि काउंसलर मींस जो सिर्फ लिसन करता है लिसन करना मींस आल्सो व्हाट? जब आप मेरी बात को सुन रहे हैं विदाउट रिएक्टिंग मींस पहली बात आप मेरी बात को धीरे धीरे एक्सेप्ट कर रहे हैं जब आप रिएक्ट कर देते हैं आपका अपने ऊपर कंट्रोल नहीं है मेरी बात सुनते हुए तो आपने उसी समय मुझे क्या कर दिया बहुत दूर ऐसी एनर्जी भेजी जो मैं बहुत दूर चले गई तो सुनना ऑल्सो दे से ना कि सुनो तो पहले एटलीस्ट सामने वाले की बात लेकिन सुनना भी यहाँ से नहीं है सुनना भी यहाँ से है आज अगर हम ये सीखें कि हमें सुनना है तो हम ऐसे भी सुन सकते हैं कि आप बात कर रहे हैं मैं हूँ 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 सुन रही हूँ आपकी बात को और अंदर से यही क्रिएट कर रही हूँ ये करके आए हैं ये ऐसा काम करके आए हैं यही इनको सिखाया था तो मैं सुन नहीं रही फिर मैं सुनते सुनते यहाँ से आई एम लिसनिंग बट वॉट एम आई सेंडिंग सुनना मीन्स सुनना hmm. सिर्फ यहाँ से नहीं यहाँ से आपका वर्ड अच्छा लगा सुनना एक्सेप्टेंस एक्सेप्टेंस सुनते हुए एक भी जजमेंटल थॉट नहीं क्रिएट करना आपने ऐसा किया कैसे आप गलत हैं ये थॉट नहीं पहले क्रिएट कर सुना रहे तो मैं दर्द में नहीं चला जाऊ वो सेकेंड स्टेज जैसे जजमेंटल हुए फिर गुस्सा भी हुए फिर हर्ट भी हो गए क्योंकि वो हमारा अपना बच्चा है तो प्यार की एनर्जी हो गए आपने कहा ना कि हम प्यार भी भेजें और रिएक्ट नहीं करें जब हम रिएक्ट करते हैं तो हम प्यार नहीं भेज सकते हैं एक 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 टाइम पे एक रेडिएटर एक ही एनर्जी भेज सकता है आप एक टाइम पे मुझे दो एनर्जी नहीं भेज सकते मतलब मैं बच्चा हूँ आप पेरेंट है हाँ। मैं अपनी कोई प्रॉब्लम लेकर आए हो आप एक टाइम पे वन एट वन इंस्टेंट आप मुझे दो क्वालिटी ऑफ एनर्जी नहीं भेज सकते हैं ये बड़ा कि आप कह रहे हैं कि मैं बच्चे को प्यार भी भेज रहा हूं लेकिन रिएक्ट भी कर रहा हूं मैं प्यार भी करता हूं लेकिन गुस्सा भी कर रहा हूं क्योंकि वी से दैट टू पीपल वी से दैट टू चिल्ड्रेन हम आपसे बहुत प्यार करते हैं ना इसलिए डांटा ना हम आपसे बहुत प्यार करते हैं इसलिए डांटा ड वर्क इट मीन्स जितनी देर हम डांट रहे थे उस वक्त नहीं प्यार किया ना उस वक्त लेकिन प्यार पहले और बाद में लेकिन तो उस वक्त चाहिए था ना उस वक्त चाहिए था ना गुस्से की जरूरत नहीं थी उस वक्त डांट की। जब सामने वाला दर्द में आया है चोट लेकर आया है उस समय किस चीज की जरूरत है सपोज मुझसे कोई गलती हुई है और मैं आपको आकर बताने वाली हूँ पहले तो मेरे से गलती हुई मेरा सेल्फ कॉन्फिडेंस डाउन हुआ सेकेंड मुझे गिल्ट भी हुआ कि मुझसे ये हुआ है थर्ड मेरे अंदर फियर भी है कि अब जब आपको पता चलेगा तो आप कैसा रिएक्ट करेंगे सो आई एम कमिंग विद ऑल दिस एनर्जी लो सेल्फ कॉन्फिडेंस गिल्ट एंड फियर ये एनर्जी लेकर मैं आपके पास आ रही हूँ अब इस एनर्जी में आकर अगर आप भी मुझे एंगर क्रिटिसिज्म ये वाली एनर्जी दे दी तो मेरे मन की स्थिति यहाँ थी और आपने जो दिया उसकी वजह से मेरी मन की स्थिति कहाँ चली जाएगी यहाँ चली जाएगी क्योंकि जब मैं नेगेटिव हूँ तो आपके नेगेटिव बहुत जल्दी इन्फ्लुएंस करेगी फिर मुझे तो मैं यहाँ चले जाऊँगी अब आप कह रहे हैं डांटना नहीं चाहिए क्या गलती करके आए हैं अब मैं यहाँ हूँ आपके पास आई हो मेरी मन की स्थिति जो नॉर्मली यहाँ होती अभी यहां 50 पे। तो है अभी यहाँ पहुँची फिफ्टी परसेंट तो सबसे पहली रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या है सबसे पहली रिस्पॉन्सिबिलिटी है मेरी मन की स्थिति को यहाँ से यहाँ लेकर आना फिर उसके बाद आप मुझे एडवाइस दे, राय दे, सल्यूशन दे, वो तो बहुत बाद की बात है यहाँ की स्थिति में आई हो, ऊपर से आपने मुझे डांट के यहाँ की स्थिति में पहुँचा दिया और फिर सल्यूशन भी दिया वेयर डू आई द पावर टू इम्प्लीमेंट द सोल्यूशन ताकत कहाँ है मैं तो बिल्कुल डिप्लीटेड हूँ आप मुझे अच्छे से अच्छा सोल्यूशन दें मेरे से नहीं इम्प्लीमेंट होने वाला है वो सोल्यूशन बिकॉज आई एम कम्प्लीटली इन पेन तो ये एवरी पेरेंट एवरी फैमिली एवरी फ्रेंड एवरी बॉस एवरी वन हैज टू आस्क देम कि जब सामने से कोई आया है जिससे गलती हुई वो अपनी बात आपसे शेयर कर रहा है या आपको पता चल गया है वॉट इज द नीड ऑफ दी आवर एक ही वो यहाँ है हमें उसको पहले यहाँ से लेकर यहाँ लेकर जाना है Normal उसके है। बाद ही कुछ इम्प्लीमेंट हो सकता है उससे पहले तो कुछ इम्प्लीमेंट ही नहीं होने वाला है और सोल्यूशन भी बाद में ही निकलता है क्योंकि अभी तक तो फिर यही चलता रहेगा। सी सोल्यूशन भी क्या अगर मैं कहूँ कि मुझसे ये चीज टूट गई है या मेरे से ये चीज गिर गई है तो उसका सोल्यूशन है नेक्स्ट टाइम ध्यान से पकड़ना राइट लेकिन वो तो आगे की बात है ना वो तो आगे की बात है अभी का सोल्यूशन क्या चाहिए अभी का सोलूशन ये चाहिए कि मैं पेन में हूं मेरे सेल्फ कॉन्फिडेंस को आप वापस ले आए ताकि मैं नेक्स्ट टाइम उठाने की तो कोशिश करू अगर आज आपने मुझे कह दिया तुमसे कुछ होता ही नहीं है एक चीज नहीं उठाई जाती हाथ से गिर जाती है हाथ है कि क्या है तुम्हारे और आज थोड़ी ये तो तुम बचपन से करते आए हो चीज तुम्हारे हाथ से गिरती जाती है तो मेरा सेल्फ कॉन्फिडेंस यहाँ था अब आपने मेरा सेल्फ कॉन्फिडेंस यहाँ ले आए फिर आपने आधे घंटे के बाद मुझे कहा चलो कोई बात नहीं अगली बार ध्यान से उठाना तो मैंने तो अगली बार उठाने की कोशिश नहीं करनी मैं तो ऐसा हूँ मेरे हाथ से चीजें गिरती हैं आई एम सेंस सेल्फ कॉन्फिडेंस यहाँ तक चला गया बट यूजली देखा जाए तो फैमिली में लोग आके ना मदर्स को कहते हैं फिर मदर्स टाइम देखती हैं नेक्स्ट डे मॉर्निंग दोपहर तीन दिन बाद बिठा के पति को बोलती है पति जी बेटे ने ये, ये किया पहली बात तो आप प्रॉमिस करो कि आप उसको गुस्सा नहीं, करें नहीं करेंगे ये नहीं करके। करके, होती प्रेपरेशन कर मदर के पास कौन सी एनर्जी है लव एक्सेप्टेंस कई घरों में बच्चे फादर को जाकर बताते हैं फिर hmm. मदर को धीरे धीरे बताया जाता है इट डिपेंड्स दोनों में से किसके पास स्टेबल रहने के और एक्सेप्ट करने की पावर ज्यादा है बच्चा उसको जाकर बताएगा आज हम एक फॉर्मूला अपनी लाइफ के लिए पक्का करते हैं एंड दिस इज अ वेरी इजी फॉर्मूला एंड वी हैव टू कैच इट एंड यूज इट सामने वाले की जितनी बड़ी गलती छोटी छोटी गलती भी नहीं सामने वाले की चाहे वो बच्चा है या कोई और है सामने वाले की जितनी बड़ी गलती उतना उसको क्या देना है प्रपोर्शन बड़ा फिक्स्ड है जितनी बड़ी गलती उतना ज़्यादा प्यार देना है उतना प्यार देकर उसको उठाना है और उठा के फिर एडवाइस देनी है एम्पावर करना है फिर एडवाइस देनी है क्योंकि अगर कोई आत्मा डिसम्पावर हो गई उसका सेल्फ कॉन्फिडेंस टूट गया कई बार जीवन भर और कई बार अनेक जन्म तक वो सेल्फ कॉन्फिडेंस वापस डेवलप नहीं होगा वो चीज़ जो टूटी वो जो नुकसान हुए वो जो गलतियाँ हुई वो जो आदतें थी वो आज हैं कल ठीक हो जाएंगी सपोज कोई ऐसी भी गलती हुई जो कभी ठीक नहीं हो सकती है स्टिल इट इज़ ओनली वन पार्ट ऑफ लाइफ इट्स नॉट वेरी बिग लेट्स नॉट मेक इट सो बिग लेकिन वो आत्मा और उसकी स्थिति वो तो जीवन भर बहुत कुछ और करना है तो हमारा फोकस किस पर होना चाहिए उस आत्मा की स्थिति पर अब यही जब हम काउंसलर के पास जाते हैं तो बहुत इजी हो जाता है सब कुछ आप काउंसलर के पास कुछ भी बात लेकर चले जाओ अब हम सब के पास भी कितने लोग आते हैं अपनी बड़ी से बड़ी प्रॉब्लम कई बार अपनी बड़ी से बड़ी गलती कई बार तो यहाँ तक कहेंगे कि हमसे ये पाप भी हो चुका है क्योंकि वो बात गलती के लेवल पर भी वो नहीं कहेंगे कि हमसे ये पाप हो चुका है हम सुनते हैं और सुनकर एक भी थॉट यहाँ क्रिएट नहीं करते कि ऐसा कैसे कर दिया हम कहेंगे अच्छा अब देखते हैं आगे क्या करना है कोई बात नहीं ना हो गया हमारे कार्मिक अकाउंट कई बार हमारे साथ ऐसा आता है कई बार कोई पुराना संस्कार जागृत हो जाता है इट इज़ ओके देर वॉज दिस लेडी हु केम टू मी एंड उससे कुछ ऐसा हो गया था विच इफ एनी बडी कम्स टू नो इट विल बी लेबल्ड एज क्यों नो ये बहुत बड़ा पाप किया है एंड वो बहुत गिल्ट में चली गई जैसे मेरे से इतना बड़ा पाप हो गया अच्छा अच्छा तो हुआ जैसे लेकिन हो ऐसे हुआ कोई बात नहीं ये हमारे पास्ट कार्मिक अकाउंट आते हैं सामने कई बार खत्म हुआ ये क्लियर करो खत्म हुआ इम्पोर्टेंट है अब क्या कहती लेकिन कितना बड़ा हुआ ऐसा हुआ ना कहती आपको लगता है कि वो इतना बड़ा नहीं था बोला जितना भी था वो हो गया क्योंकि क्या वो मेरी गलती नहीं थी बोला गलती की बात होती नहीं ना बहन कार्मिक अकाउंट किसी के साथ होता है वो आ जाता है सामने ये करने से एंड विच इज ट्रू इट्स नॉट के हम झूठ बोल रहे हैं किसी के साथ इट्स अ फैक्ट इट्स द ट्रूथ तो वो करने से जैसे ही वो आत्मा को वो एनर्जी मिलती है तो वो अपनी रिस्पेक्ट जो वो आत्मा खो चुकी है अपना सेल्फ कॉन्फिडेंस अपना समान जो वो आत्मा खो चुकी है जब उसको सामने वाले से रिस्पेक्ट मिलती है रिस्पेक्ट इन स्पाइट ऑफ वॉट यू हैव डन क्योंकि हमारी फैमिली एंड फ्रेंड्स जब हम कुछ ऐसा करते हैं तो अपनी रिस्पेक्ट को विड्रॉ कर लेते हैं रिस्पेक्ट इन स्पाइट ऑफ वॉट यू हैव डन जब ये मिलता है तो आत्मा वापस ऐसे हो जाती है कहती बहुत बड़ी बात नहीं है क्या सर इतनी बड़ी भी बात नहीं है जो ठीक नहीं हो सकती सर रियली यार भगवान मुझे पनिश नहीं करेंगे ऐसे ना भगवान तो प्यार ही करता है हमेशा वो तो सजा कभी देगा ही नहीं बस इतना पांच मिनट लेकिन ये ध्यान रखना पड़ता है कि ये शब्दों में नहीं ये सिर्फ शब्दों में नहीं करना है ये अंदर के हर थॉट से करना है तो सामने वाला हीलिंग के लिए आया था और वो हील होकर अब जाकर अपनी प्रॉब्लम को खुद सॉल्व करेंगे हम किसी की प्रॉब्लम थोड़ी सॉल्व कर सकते हैं कभी आप इतना इजीली कह रहे हैं सिस्टर ये तो पेरेंट्स और इसकी बात है इवन 2014 की बात कर रहा हूँ ये, ये पुरानी बात नहीं है ऑनर किलिंग्स चल रही हैं yes. कि उस गांव वाली से तू ने प्यार कर लिया दूसरे दुश्मनों से शादी कर ली मारी डालो हम तो ऑनर है हमारी इज्जत है दोनों को मार क्योंकि जब हम क्या जब हम जजमेंटल होते आए होते 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 कोई भी चीज अपने एक्सट्रीम पर पहुंच जाती है ऑनर किलिंग हो रहा है क्योंकि जजमेंटल किस लेवल तक पहुंच गए वो फिर भी आपको कुछ कुछ जगह पर मिलेगा लेकिन जो बहुत जगह पर मिलता है ठीक है फिर आज से हमारा तुम्हारा रिश्ता खत्म टू आफ्टर दिस आफ्टर दिस यू आर नॉट माई चाइल्ड नहीं तकलीफ में है तो एक रुपया नहीं देंगे सपोर्ट भी नहीं करेंगे प्यार और देखा बोला था ना तुमको दिस इज सो सटल तो फिर बीइंग लव पेरेंट चाइल्ड ये मेरा बच्चा है जीवन भर मेरी क्या जिम्मेवारी है इस आत्मा के प्रति डू आई रिमेम्बर दैट कि जीवन भर मेरा रोल मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी मेरी जिम्मेवारी इस आत्मा के प्रति क्या थी ऐसे 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 लेकर चलना इसको मतलब वो जैसा कर रहे हैं राय देना लेकिन मोस्ट इंपोर्टेंट चीज देना लव एंड सपोर्ट अगर उन्होंने कुछ गलत डिसीशन भी लिया है तो उस गलत डिसीशन अगर ले लिया है जैसे कई बार आप देखो बच्चा आकर कोई बात के लिए जिद करेगा बड़ा सपोज करियर में रिलेशनशिप में एंड पूरी फैमिली समझाएगी कि आपको ऐसा नहीं करना चाहिए ये आपके लिए ठीक नहीं होने वाला है सपोज एक साल दो साल उस पर डिस्कशन चलता ही जाता है कि ये नहीं करना चाहिए ये नहीं करना चाहिए नहीं करना चाहिए सपोज स्पाइट ऑफ ऑल दैट वो बच्चा नहीं मानता है एंड गोज विद दैट विद कहेगा मुझे तो ऐसा ही करना है उसके बाद पेरेंट और फैमिली का रोल क्या हो जाना चाहिए जब तक डिसीशन नहीं लिया था तब तक रोल क्या था राय दे रहे हैं समझा रहे हैं ये भी उसको कह रहे हैं तुम ये करोगे तो देखना बहुत गलत होने वाला है तुम ये ऐसा करोगे जो जीवन भर दुखी रहोगे ये सब भी हम बोलते हैं ये इस प्रॉब्लम से तुम बाहर नहीं निकल कर आ पाओगे ये रिश्ता जोड़ा जीवन भर खुशी और सुख नहीं मिलने वाला है सब कुछ बोला ठीक है लेकिन एक बार डिसीशन ले लिया है अगर बच्चे ने hmm. तो हमारा रोल क्या है अब नाउ थॉट विल हैव टू चेंज Completely. अगर डिसीशन लेने के बाद भी हमारी वो और हमारी सोच यही रही कि तुम कभी खुश नहीं रहोगे तुम कभी सुखी नहीं रहोगे तो हम अपने बच्चे को क्या दे रहे हैं एक्चुअली ना, no? एक एक थॉट वहां पहुंच रही है तो जैसे डिसीशन ले लिया तो हमारी थॉट प्रोसेस बिल्कुल चेंज हो जानी चाहिए कि ठीक है अभी तुम ये कर रहे हो ना हम सब ने आपको समझाया आप फिर भी ये करना चाहते हो अब हमारा प्यार आशीर्वाद दुआएं सारी आपके साथ हैं आपका बेस्ट होना चाहिए आपका बेस्ट अब होना चाहिए नॉट वेट एंड वॉच के क्या होता है आगे एंड फिर अगर हम सब वो दुआएं देंगे हम सब अच्छी एनर्जी देंगे तो प्रोबेबिलिटी फैक्टर बहुत हाई है कि उस बच्चे का सब अच्छा होता जाएगा लेकिन वन परसेंट चांस अगर ये भी हुआ कि वो बच्चे का कुछ वो डिसीजन गलत हो गया देन वॉट इज आर रिस्पॉन्सिबिलिटी बट मोस्टली डू वी से देखा देखा. दिस लाइन मैंने कहा था ना? मैंने कहा था ना होने वाला अब पछताओ मींस एक्चुअली हम किस चीज की वेट कर रहे थे कि इससे गलती हो ये पछताए हमारे पास आए एंड हमारी बात कही भी बात सही निकले एंड ही शुड बी रॉन्ग एंड आफ्टर दैट फॉर द रेस्ट ऑफ द लाइफ वो हमारी हर बात दिस सपोर्ट इज दिस पेरेंट चाइल्ड रिलेशनशिप इज दिस सोल टू सोल कनेक्शन दिस इज ओनली अ पावर एंड कंट्रोल गेम सोल टू सोल कनेक्शन क्या है और पावर और कंट्रोल का गेम क्या है अगले एपिसोड में बात करते थैंक यू थैंक यू सो मच थैंक यू